हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग सर्ड्स एंड इंडाइसेस यानी घातांक करणी का चौथा पार्ट लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल वाले सवाल करने वाले हैं। ठीक है, इस तरह के सवालों को करने के लिए बहुत ही आसान सा टेक्निक है, आसान सा तरीका है जो कि हम बताएंगे, और उस तरीके से आप बहुत ही कम समय में, लगभग 5 सेकंड में, सिर्फ 5 सेकंड में इसका उत्तर आप देखकर बता सकते हैं कि कितना होगा। ठीक है, सिर्फ देखकर बताना है, बता सकते हैं आप। ठीक है, ऐसा ट्रिक आपको बताएंगे हम, तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर घातांक करणी का ही पार्ट है, लेकिन यहाँ पर वर्गमूल निकालना सीखते हैं। ठीक है, करणी वाले सवालों का, तो चलिए यहाँ पर शुरू करेंगे। पहला नंबर क्या दिया है, 5 + 2√6 का वर्गमूल क्या है, यानी इस चीज़ का 5 + 2√6 का वर्गमूल क्या होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा हम थ्योरी पार्ट समझते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो ट्रिक बहुत आसान है। पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ट्रिक का भी बात करेंगे। ट्रिक तो इस ट्रिक से ना आप 2 सेकंड में इसको बता सकते हैं आंसर कितना होगा। तो कॉन्सेप्ट ये है, देखिए जब आप किन्हीं 2 संख्याओं के प्लस का स्क्वायर करते हैं, रूट मतलब वर्ग करते हैं, तो क्या आता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 × a × b, इतना ही आता है ना। अच्छा, यहीं पर अगर आप किन्हीं 2 √ संख्याओं को यानी रूट a और प्लस रूट b इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आप कहेंगे कि पहले इसका स्क्वायर होगा यानी रूट ए का स्क्वायर होगा, है ना, अब प्लस रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर होगा यानी दूसरे वाले का स्क्वायर होगा, यहाँ पर रूट बी का स्क्वायर होगा, है ना, अब प्लस में 2 √a × √b होगा, तो 2 √a × √b इतना नहीं होगा, बिल्कुल होगा, इतना ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें क्या आप इसको ऐसा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रूट ए का स्क्वायर होता है a प्लस रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा b प्लस ये हो जाएगा 2 √ab, है ना, a × b, है ना, क्योंकि रूट के अंदर है तो रूट के अंदर वाला गुणा हो जाएगा। बात इतनी समझ में आ गई, 2 यहाँ पर 2 √ab हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो हमको दिया रहता है ना, अच्छा यहाँ पर ये कितना होगा, रूट ए प्लस √b का होल स्क्वायर होगा। बात समझ में आई, तो इसी को अगर हम वर्गमूल ले लेंगे तो हमारा रूट ए प्लस रूट बी आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो दिया रहता है हमको सवाल में, ये जो हमको दिया रहता है ना, वो इसका रूप दिया रहता है। इस रूप से हमको अगर ये रूप मिल जाए तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, वर्गमूल। तो यहाँ पर इस रूप में दिया रहता है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर कंपैरिजन अगर करें तो a प्लस बी, मतलब a प्लस बी के जगह पर क्या दिया है, 5 दिया है, यानी a प्लस बी हमारा 5 दिया है। ठीक है, a × b, यहाँ पर देखिए a × b कितना दिया है, 6 के बराबर दिया है, अंदर देखिए 6 के बराबर दिया है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब आपको यहाँ पर a और b का मान चाहिए और इसमें रख दीजिए तो रूट ए रूट बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर अगर हम देखें तो इस 6 को 2 ऐसे भागों में तोड़ना है कि जिनको जोड़ने पर 5 आ जाए, है ना भाई, इसको ऐसा 2 का गुणा लिखना है 6 को कि उनको जोड़ने पर 5 आ जाए और गुणा करने पर 6 आ जाए, यही तो करना है। तो अगर इस 6 को हम 3 और 2 में तोड़ दें तो 3 × 6 होगा, यानी गुणा तो हमारा 6 हो गया, और जोड़ कितना होगा, 5 होगा। बस यही काम आपको करना है। ठीक है, ये तो थोड़ा लंबा हो गया है, बस आपको समझाने का कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे सिर्फ आप देख के बता सकते हैं कि वर्गमूल कितना होगा। ठीक ना, तो इतना फंडा समझ गए, अब इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं और यहाँ से करना शुरू करते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, हमारे पास है 5 + 2√6 और इसका वर्गमूल चाहिए, तो वर्गमूल लगा देते हैं हम, है ना। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, पहले तो यहाँ पर देखना है कि 2 है या नहीं है, तो 2 है, निश्चिंत हो जाइए, बस आपको यहाँ पर 2 देखना है, 2 लाना है आपको। ठीक है, तो 2 हमने यहाँ पर देख लिया। अब 2 लाने के बाद इस स्क्वायर रूट के अंदर वाले को देखिए, बस एक आप अच्छे से समझ लीजिए, बाकी सब आसानी से हो जाएगा।
ये हमारा 6 है। इस 6 को ऐसा दो भाग में तोड़िए कि गुणा करने पर तो 6 आए लेकिन जोड़ने पर ये वाला आ जाए, 5 आ जाए, ठीक है। तो हम 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। तो इस रूट 6 में 1 हुआ 3, 1 हुआ 2 और 2 और 3 को जोड़ने पर 5 आ रहा है। तो इसका वर्गमूल आप सीधे लिखिए, रूट तीन और रूट दो, ये जो दोनों है ना, रूट तीन रूट दो। अब एक काम करना है, अगर यहाँ पे प्लस लगा है तो यहाँ पे आप लगा दीजिए प्लस, आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस लगा है तो आप यहाँ पर लगा दीजिए माइनस, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना काम आपको करना है, बस यहाँ पे इसको तोड़ देना है। तोड़ने के बाद देखना है कि जोड़ने या घटाने पर इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। हो गया, बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से करना है। तो पहला का उत्तर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट, √3 + √2। यानी इसका मतलब ये है कि आप जब इसका स्क्वायर करेंगे ना, √3 + √2 का स्क्वायर, तो इतना आ जाएगा। वर्गमूल का मतलब यही ना है कि ऐसा कौन सा संख्या है जिसको वर्ग करने पर ये आ जाए। भाई जैसे हम आपसे कह रहे हैं कि 64 का वर्गमूल कितना होगा, 64 का वर्गमूल कितना होगा, तो आप कहेंगे 8। और इसका मतलब क्या है कि 8 का जब हम वर्ग करेंगे तो 64 आएगा, है ना, ये चीज है। तो पहला हो गया, दूसरा चलते हैं हम लोग। देखिए दूसरा सवाल ये दिया है, 7 + √12 का वर्गमूल क्या है। आप आसानी से बता सकते हैं बहुत ही कम समय में। देखिए कितना दिया है हमको, यहाँ पर वर्गमूल निकालना है किसका, 7 + √12 का, 2√12 का हमने वर्गमूल लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए 2 है या नहीं, तो 2 है, है ना। 2 नहीं रहेगा तो हमको 2 बनाना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। तो 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अंदर वाले को देखिए यहाँ पर, अब इस 12 को ऐसे तोड़िए कि जोड़ने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर 12 आ जाए। तो हम 4 और 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो 4 × 3 = 12 और 4 × 3 = 7 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, बस आपका आंसर आ गया। क्या हो जाएगा, √4 + √3। यहाँ पर प्लस लगा है इसलिए यहाँ पर प्लस लगा देंगे, माइनस लगा होता तो माइनस। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो ये बड़ा वाला फैक्टर है ना उसको पहले लिखेगा, छोटे वाले फैक्टर को बाद में। आप तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 × 4 = 12 होता ही है, है ना, लेकिन जो बड़ा फैक्टर होगा उसको पहले लिखना है, छोटा फैक्टर बाद में लिखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए √4 का तो मान होता है 2 होता है प्लस √3, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी जो इसका वर्गमूल आएगा ना, यानी 7 + √12 का वर्गमूल होगा 2 + √3। आंसर आ गया, बहुत आसान है। बस इसको तोड़ के देखना है कि किसको जोड़ने पर यह आएगा, है ना, ये चीज़ आपको करना है। तो दूसरा हो गया हमारा, तीसरे पर चलते हैं, तीसरे सवाल पर। देखिए तीसरा सवाल बहुत आसान सा है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके एक बार लगाने की कोशिश कर सकते हैं। क्या दिया है, √8 + √15, यानी 8 + √15 का हमको वर्गमूल निकालना है, यही काम करना है। बस क्या है, इस 15 को देखिए 2 है ना यहाँ पर, तो जब 2 नहीं रहेगा तब हमको कुछ और करना पड़ेगा। अभी सवाल आएगा वैसा करवाएंगे हम सवाल, जब यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, ठीक है। अब 2 है तो कुछ नहीं करना है, अंदर वाले को देखिए, अंदर वाले को ऐसा दो भाग में तोड़िए कि जोड़ने पर 8 आ जाए। हमेशा जोड़ने पर ही देखिएगा, ध्यान रखिएगा, जोड़ने पर 8 आ जाए, चाहे यहाँ पे माइनस लगा रहा है चाहे यहाँ प्लस लगा रहा है, आपको हमेशा देखना है कि जोड़ने पर ही 8 आना चाहिए, ठीक ना। तो 15 को क्या हम ऐसे तोड़ सकते हैं, 5 × 3, है ना, 5 × 3 = 15 होता है, और 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 होता है। बस आपका आंसर आ गया, क्या हो गया, √5 और ये हो गया √3। अब बीच में प्लस लगा है तो प्लस लगा दीजिए, अगर यहाँ पे माइनस लगा रहता तो यहाँ पे माइनस लगा देते, ठीक है। ये काम आपको करना है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। यहाँ पर √3 हो ना, √3, इसका भी रूट कर देना है, इसका भी रूट कर देना है, और बीच में यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, √5 + √3। जो भी ऑप्शन में दिया रहेगा √5 + √3 उसमें आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो तीसरा हो गया, चौथे नंबर पर चलते हैं। चौथा सवाल क्या दिया है, √10 - √21। अब यहाँ पर क्या गया आपका, यहाँ पर माइनस वाला आ गया, ठीक है। यानी 10 - √21 का वर्गमूल चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 2 है कि नहीं, 2 है, इसलिए आप उसको अंदर वाले को देखिए, इस 21 को ऐसा तोड़िए कि जोड़ने पर 7 आ जाए,
तो हम इस 21 को ऐसा तोड़ सकते हैं, 7 और 3 में, 7 गुणे 3 21 होता है और 7 और 3 10 होता है। बस आपको कुछ नहीं करना, रूट 7 का रूट ले लीजिए, 3 का रूट ले लीजिए और यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिए, बस आंसर हो गया आपको। एक चीज़ हम हमेशा कह रहे हैं, यहाँ पर भी कह रहे हैं कि जो बड़ा फैक्टर है उसको पहले लीजिएगा, याद रखिएगा जो बड़ा फैक्टर है उसको पहले ले लेना है, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पर चौथा सवाल भी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिएगा, प्लस लगा है तो प्लस लगा दीजिएगा, इतना काम आपको करना है। तो चौथा नंबर हो गया, जिस ऑप्शन में ये दिया रहेगा रूट 7 माइनस रूट 3 उसी में आप टिक कर दीजिएगा, चौथा हो गया। पाँचवें पर चलते हैं, पाँचवा सवाल देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि 7 प्लस 2 रूट 10 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह के सवाल ना आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, चाहे SSC हो, RRB हो, NTPC हो, ग्रुप डी हो, CGL हो, कुछ भी हो, IBPS हो, सभी में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना, इस तरह के सवालों को पढ़ना और बहुत ही कम समय में करना ट्रिक के साथ ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर आप मेथड से लगाने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पर छोटा सा ट्रिक है, आप देख कर भी बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना होगा। चलिए इसको करते हैं, यहाँ पर 2 यहाँ पर दिया है, वर्गमूल निकालना है तो इसका वर्गमूल निकालना है। तो देखिए 2 यहाँ पर दिया है, कुछ नहीं करना, अंदर वाले को देखिए, इस 10 को ऐसे तोड़िए कि जोड़ने पर आ जाए कितना, जोड़ने पर आ जाए 7। तो इस 10 को हम 5 और 2 में तोड़ देते हैं, 5 दुनाई 10 और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप आंसर में रूट 5 रूट 2 प्लस लगा है तो प्लस, आंसर आ गया आपका, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, यानी रूट 5 प्लस रूट 2 आपका आंसर हो जाएगा, इसका वर्गमूल आ जाएगा यानी स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो हो गया ये सवाल, आगे चलते हैं, कुछ अलग तरह का एक सवाल देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए इस सवाल को देखिए, यहाँ पर दिया है 16 प्लस 6 रूट 7 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिएगा कि 2 नहीं दिया है तो हमको वहाँ पर 2 बनाना पड़ेगा, है ना, कैसे बनाएंगे उसको समझिए। क्या इस 6 को, मतलब 6 रूट 7 यहाँ पर है ना, इस 6 को क्या आप 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 और ये रूट 7 है। अब ये 3 बाहर कब आया होगा, जब अंदर में 3 का स्क्वायर रहा होगा, है ना भाई। देखिए अगर हम ऐसे कह रहे हैं कि 3 का स्क्वायर गुणे 5 है, इसका मतलब क्या है कि हम 3 को बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है, तो एक जोड़ा बाहर निकल जाता है, तो 3 हमारा बाहर निकला होगा तो यहाँ पर अंडर रूट 5 बचा होगा। मतलब ये है कि 3 को जब हम रूट के अंदर ले जाएंगे तो 3 का स्क्वायर लग जाएगा, है ना। इसी तरीके से इस 3 को अंदर ले जाएंगे जब तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 और 3 को अंदर ले जाएंगे तो 3 का स्क्वायर बन जाएगा और इनटू में 7 यह है ही, है ना। अब इसको देखिए कितना हो गया, तो 2 यहाँ पर है 2 और ये 3 त्रिकाई 9, 9 गुणे 7 हो जाएगा, यानी आपका आ गया 2 रूट 7 नहीं हो 63, 2 रूट 63 हो जाएगा। अब इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है आपको, आपको बस यहाँ पर देखना है। देखिए समझिए, यहाँ पर इस 6 को देखिए कि 6 में क्या क्या है, 2 को हमको बाहर करना है और जो भी बचा होगा उसको अंदर कर देना है। तो 2 यहाँ पर कितना है, 2 और 3 है ना, इस 3 को अंदर ले जाना है तो 3 को स्क्वायर करके अंदर ले जाइए, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 सत्ते 63, यानी इसको आप फिर से ऐसे लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 63, ठीक है। इस चीज़ को क्योंकि यहाँ पर 3 को तो हम अंदर ले गए, बचा सिर्फ 2, है ना, तो 2 रूट और ये 3 जब अंदर जाएगा तो स्क्वायर होके जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर 9 और 9 सत्ते 63 हो जाएगा। इस तरीके से आप लिख लीजिए। अब तोड़िए यहाँ पर 63 को 2 भाग में तोड़िए कि जोड़ने पर 16 आ जाए, तो आप जानते हैं कि 9 और 7 होता है, 9 सत्ते 63 और 9 और 7 कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। बस आपका आंसर आ गया, तो कितना हो जाएगा रूट 9 और यहाँ पे है रूट 7, बीच में लगा है प्लस तो लगा दीजिए प्लस, काम ख़त्म। रूट 9 का मान 3 होता है तो आपके आंसर में ऐसा नहीं दिया रहेगा, आपके आंसर में ऐसा दिया रहेगा 3 प्लस रूट 7, है ना, इसी में आपको टिक कर देना है जो भी आंसर होगा ये, है ना, 3 प्लस रूट 7 इसमें आपको टिक कर देना है, ठीक है। बहुत आसान सा है, बस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्या करना है, ट्रिक में लगाना है क्या चीज़, है ना। आप वैसे तो देख के भी बता सकते हैं कि कितना होगा, है ना। तो यहाँ पर
छठा भी हो गया हमारा। एक सवाल हम और यहाँ पर देखते हैं। देखिए ये सवाल है, 9-4√5 का वर्गमूल क्या है। अब यहाँ पर 2 तो दिया नहीं है, तो हमको यहाँ पर 2 बनाना पड़ेगा। तो 2 बनाइए इसको, तो यहाँ पर 2 को हम 4 को हम लिख सकते हैं 2×2। अब एक 2 को रहने दीजिए, ये दूसर का 2 को अंदर भेज दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 9-1 2 तो रहेगा ही। ये 2 जब अंदर जाएगा तो वर्ग होके जाएगा, तो 2 का वर्ग होता है 4, और 4 अंदर जाके 5 से गुणा होगा तो हो जाएगा कितना, 20। ठीक है, बस आपका काम हो गया। अब इस 20 को ऐसा तोड़िए कि जोड़ने पर 9 आ जाए। तब 5 और 4, 5×4 है ना, 5×4, तब 5 × 20 हो गया, और जोड़ने पर कितना आ गया, 9 आ गया। तो आपका आंसर हो जाएगा √5 और √4। अब यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिए, आपका आंसर आ गया √5 और √4 का वैल्यू होता है यानी 2, तो यही आपका आंसर हो जाएगा √5 - 2। बहुत ही आसान सा ट्रिक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने एक और सवाल में, जो कि हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक ना, चलिए देखिए इस सवाल को दिया है, 8-2√15 का वर्गमूल क्या होगा। 2 यहाँ पे दिया है तो अंदर देखिए, इसको हम ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने पर 8 आ जाए। तो 5 और 3 है ना, 5 × 3 = 15, और जोड़ने पर 8, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा √5, और इधर होगा √3। अब माइनस लगा है तो लगा दीजिए माइनस, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज का जो क्लास है वो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसा जब भी सवाल आएगा तो आप लोग कर लेंगे, ठीक ना। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपना अलग टाइप का सर्ड्स एंड इंडाइसेस का क्वेश्चन लेकर पार्ट 5 में। तो तब तक सब लोग खुश रहिए। जय हिंद।